आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो पर। आज के इस नए वीडियो पर हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर का, और साथ ही में आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से यूज करना है और इसका कहां कहां पे यूज होता है। तो चलिए हम फटाफट पहले से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और दिखा देते हैं मल्टीमीटर ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए हम फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। हम इसके रैपर को थोड़ा सा टेयर कर लेते हैं। बाहर की तरफ से आपको ये दिख ही रहा होगा किस तरह से मल्टीमीटर है, और इसका यूज भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से इसे यूज करना है, वो सब जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि मल्टीमीटर ये दिख रहा है, यहाँ पर इसका ये डिस्प्ले होता है और पीछे की तरफ में इसमें बैटरी लगती है, वो बैटरी इनबिल्ट होती है और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। जो पावर सप्लाई इसमें जो लगता है वो 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट की बैटरी लगती है इसमें। चलिए हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। अभी यहाँ से ऑन हो गया है। यहाँ पर ऑन ऑफ का आपको ये स्विच मिल जाता है, और साथ ही में दूसरी तरफ आपको यहाँ पर जो है एसी वोल्ट करंट आप 750 वोल्ट और 200 वोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो जो आप इलेक्ट्रिसिटी चेक करेंगे तो 750 वोल्ट पर चेक करेंगे, और साथ ही में आपका यहाँ पर ये डीसी करंट एम्पेयर चेक करने के लिए है। यहाँ पर डीसी एम्पेयर करंट चेक करने के लिए, उसके साथ में यहाँ पर नीचे आपको 10 एम्पेयर का डीसी करंट चेक कर सकते हैं, और उसके नीचे आप ये ट्रांजिस्टर एचएफई चेक कर सकते हैं। उसके नीचे में आपको ये फ्रीक्वेंसी चेक ये मिल जाता है, और उसके नीचे आपको ये डायोड और कंटिन्यूटी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये रजिस्टर या रजिस्टर का जो ओम होता है वो चेक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। और इसके ऊपर देखेंगे तो ये हमारा डीसी वोल्ट है, डीसी वोल्ट चेक करने के लिए ये 200 mA है, 2000 mA, 20 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं। और अगर 20 वोल्ट से ऊपर है तो यहाँ पे 200 वोल्ट है, इसके साथ में यहाँ पे 1000 वोल्ट है, यानी कि आप 1000 वोल्ट डीसी तक यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और नीचे आपको ये यहाँ पर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। एनपीएन का मतलब है ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपको यहाँ पर एचईएफ और ये ट्रांजिस्टर का जो ऑप्शन है यहाँ से इन दोनों को चेक किया जाता है। और साथ ही में जो हमें 3 स्लॉट मिल जाते हैं, इसमें एक आपका कॉमन स्लॉट है जहाँ पर आपका ब्लैक वाला कनेक्टर लगेगा, और मिडिल वाले में आप ओम्स वोल्ट ये सभी चेक कर पाएंगे। और ऊपर की तरफ जो दिया गया है इसमें 10 एम्पीयर का जो आपका डीसी वोल्ट होता है वो यहाँ पर चेक होता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, और ऑन करने के बाद में जैसे कि आप यहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरी तरफ में यहाँ पर आप बैटरी के वोल्ट चेक कर सकते हैं, वो भी हम आपको इसमें एक बार डेमो करके दिखाएंगे। और इसके साथ में जो केबल हमें मिलता है कुछ इस तरह से केबल है, आप देख सकते हैं केबल की भी क्वालिटी, और ये आपको मार्केट में आसानी से 200 के अराउंड मिल जाएगा। ये मल्टीमीटर कॉमन वाला जो प्लग होता है वो नीचे की तरफ लगता है, और प्लस वाला ये आपका मिडिल वाले ऑप्शन में लगेगा। अब यहाँ पर आप डीसी वोल्ट करके इसे चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पे आप चेक करना चाहें तो ये बजर होता है कंटिन्यूटी को, तो देखिए आवाज़ आ रही है होगी आपको। ये कंटिन्यूटी होता है जैसे हमें कोई भी शॉर्ट सर्किट है या कहीं कुछ है तो उसे हम कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। और डीसी वोल्ट का भी हम आपको एक बार चेक करा देते हैं। चलिए हमारे पास एक 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो इसे हम चेक करते हैं। हमारा जो मल्टीमीटर है वो 20 वोल्ट पे हम रखेंगे डीसी पे, और इसका जो प्लस टर्मिनल है प्लस पे लगाएंगे और माइनस वाला माइनस पे, देखते हैं कितना वोल्ट दिखाता है अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं 1.21 दिखा रहा है, मतलब 1.5 वोल्ट से कम है, यानी कि अभी ये बैटरी चार्ज नहीं है, इसे चार्ज करना होगा। तो चार्ज होने के बाद में इसका जो वोल्ट है 1.5 से ऊपर जाता है। इस तरह से मल्टीमीटर यूज होता है। इस मल्टीमीटर में कई ऑप्शन हैं, जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो डीसी वोल्ट का यूज होता है या एम्पेयर यूज करने में होता है, या हमारा जो रजिस्टर वाला ये ऑप्शन है यहाँ से इस मल्टीमीटर का ज़्यादा यूज होता है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर रहे हैं तो हम 750 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हमारा जो मल्टीमीटर का ज़्यादा काम होता है वो बजर
या कंटिन्यूटी पे ही होता है ज्यादातर काम। और जो डायोड का होता है वो भी इसी ऑप्शन में दिया गया है, ये दोनों कॉमन ऑप्शन है, तो इन्हीं सबका ज्यादा यूज होता है। बाकी ये ऑप्शन जो आपके 10 एम्पेयर और फ्रिक्वेंसी वाले हैं और ट्रांजिस्टर वाले हैं, ये इनका यूज अब कम होता है। इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।